बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना ने कैंडिडेट से जो परीक्षा ली वो परीक्षा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। सेना में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स खुले मैदान में लिखित परीक्षा देने के लिए पहुंचे तो उन्हें सेना के अधिकारियों ने आदेश दिया कि बदन के सारे कपड़े उतार दीजिए, खुले मैदान में बैठिए और फिर परीक्षा देने आए करीब 1150 कैंडिडेट्स के सारे कपड़े उतरवा दिए गए। इन लोगों को इसी तरह से खुले मैदान में जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी। मामले में तूल पकड़ा तो सेना के अधिकारियों ने कहा कि सेना की परीक्षा को लेकर हमारा पुराना एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, इसीलिए परीक्षा में नकल रोकने के लिए कैंडिडेट्स के कपड़े उतरवा गए थे। उधर सूत्रों के हवाले से जो अब खबर आ रही है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मामले को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग से इस मामले में अब बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने क्लर्क भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से लगभग नग्न हालत में परीक्षा लेने पर भी संज्ञान ले लिया है। बड़ी खबर आ रही है।